कुंडली भाग्य में जिस दुल्हन के लिए बारात आई थी ना, वो बारात लौट गई खाली हाथ। लेकिन दुल्हन दुखी नहीं है, वो तो ऊपर से शुक्रिया अदा कर रही है। किसका, क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे, जानना है आपको तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। शादी टूट गई। जो लड़का अपनी दुल्हन को घर ले जाने के लिए आया था, ये देखिए जो बारात पलकी के दर पर आई थी वो बारात लौट गई है। अब ऐसा तो होना ही था, ये शादी तो किसी भी कीमत पर होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि राइटर को हीरो और हीरोइन को जो मिलवाना था पलकी और राजबीर को। पहले मैं थोड़ी दुखी थी क्योंकि बारात लौट गई, जो एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पलकी शादी नहीं करना चाहती थी, बट जिस सर्कमस्टांसेस में शादी टूटी है वो ये तो नहीं चाहती थी कि ऐसे हालात में शादी टूटे, तो उस बात का गम है, लेकिन अब जब सॉर्ट हो गया है तो इस बात की खुशी है। इस शादी में शौर्य ने कुछ ऐसी तस्वीरें पलकी और राजबीर की इस सबको दिखाई कि इन सबको लगा कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। फिर क्या, दूल्हे राजा ने कहा ये शादी तो अब मैं नहीं करूँगा। शौर्य बहुत ही बदमाश लड़का है, मस्तीखोर, उसने आया और मेरी बैंड बजा दी। उसने पलकी को बहुत रुलाया उसने, क्योंकि मैंने उसका अवार्ड फंक्शन खराब किया तो उसने मेरी शादी खराब की। इट्स लाइक टिट फॉर टैट। बेचारे राजवीर ने बहुत कोशिश की सबको ये बताने के लिए कि पलकी एकदम बेगुनाह है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, और उसने ये साबित भी कर दिया। The one and only Raju, my Rajbir, he saved the day. उसने एंड मोमेंट पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की, एंड him being the hero that he is, he saved the day. Yeah. पलकी और राजबीर की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा सब कहानी में दिखाया जाएगा। फिलहाल जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना, इसके बाद पलकी खुद ही इनकार कर देगी कि उसे शादी नहीं करनी है, और राजबीर को थैंक्स कहेगी कि क्योंकि वो हमेशा उसकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आता है। तुम्हारी दोस्ती का शुक्रिया अदा करूंगा, तुमने आज मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचाई, तुम हमेशा मेरे साथ होते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो, हर कदम पर मेरे साथ खड़े होते हो, न जाने कब कहते मेरी दिल की आवाज तुम सुन देते हो। फिलहाल प्रीता भी यहीं पर है। प्रीता देखिए पलकी के पिता से माफी मांग रही है। अब प्रीता जी माफी वाफी मत मांगिए, तैयारी कीजिए शादी की, क्योंकि आपके घर पे भी बहू आने वाली है, वो भी पलकी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।